उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत खटीमा के नारायण नगर में स्थित 57वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बी समवाय की चौकी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा नगला तराई के दमगड़ा प्राथमिक विद्यालय में 57वीं वाहिनी SSB कमांडेंट ब्रिजपाल नेगी के निर्देश के क्रम में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत मानव चिकित्सा पशु चिकित्सा शिविर कृषि उपकरण वितरण एवं खेलकूद सामग्री वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मानव चिकित्सा शिविर में सैकड़ों लोगों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार और दवाइयां वितरण की गईं। साथ ही पशु चिकित्सा शिविर में भी सीमावर्ती पशुपालकों को पशुओं के लिए निःशुल्क दवाइयां वितरण की गईं। इसी क्रम में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत उप कमांडेंट सुविंदर अंबावत नारायण नगर कंपनी प्रभारी आनंद सिंह भंडारी और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 50 सीमावर्ती गरीब किसानों और ज़रूरतमंदों को फावड़ा दराती खुरपी गैती आदि कृषि यंत्र भी बांटे गए। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र के ग्राम सभा खिलड़िया नगला तराई और खाली महुवट ग्राम सभा के युवाओं के लिए खेलकूद की सामग्री का भी निःशुल्क वितरण किया गया। आपको बता दें कि SSB द्वारा सीमांत क्षेत्र के निवासियों के लिए समय समय पर निःशुल्क जन कल्याणकारी कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाया जाता है जिससे सीमांत क्षेत्र के निवासी लाभान्वित होते रहते हैं। इसी क्रम में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सभी ग्राम सभाओं के प्रतिनिधि ग्राम प्रधान लाभार्थी और SSB के जवान भी उपस्थित रहे। नगला तराई के ग्राम प्रधान पति दिनेश कोहली ने बताया कि SSB द्वारा जन कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत ज़रूरतमंदों को मानव तथा पशु चिकित्सा शिविर लगाकर निःशुल्क दवाइयाँ वितरण की गईं और युवाओं को निःशुल्क खेल कूद की सामग्री का वितरण किया गया। इसका लाभ सीमांत क्षेत्रों के लोगों ने लिया है। ग्राम सभा नगला तराई के दमगड़ा गांव में SSB की तरफ से एक जन कल्याण जो योजना इन्होंने चलाई है इसमें कुछ ग्रामवासियों को खेल कूद स्पोर्ट्स का सामान और कृषि यंत्र वितरित किया गया और समय समय पर ये कार्यक्रम होते रहते हैं SSB की तरफ से। इससे गांव की जो जनता को है कुछ लाभ मिल जाता है, कुछ दवाएँ वितरित की जा रही है इसमें पशुओं और मानव के लिए मनुष्य के लिए, तो डॉक्टर टीम इनकी आई है SSB की तरफ से, तो इससे हमारी ग्रामीण जनता को काफ़ी लाभ मिलता है और ऐसे कार्यक्रम हर समय समय पर SSB की तरफ से होते रहते हैं जिससे हमारी ग्राम सभा की जनता को काफ़ी लाभ मिलता है। आपका नाम? दिनेश कोहली, जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान। साथ सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने व अपना महत्वपूर्ण सहयोग करने के लिए है। इसी क्रम में SSB की 57वीं वाहिनी 2013 से इस क्षेत्र में स्थापित होने के बाद अनेक जन कल्याणकारी कार्यक्रम का आयोजित कर रही है। इसमें मुख्यतः जो गांव शामिल हैं नगला तराई, ससैया, मेलाघाट, दमगड़ा, गड़ीगोट, देवीपुरा, बनबसा, थपियाड़खेड़ा, उचौली गोट, गेंदाखाली, सलोनी गोट आदि सीमावर्ती गाँव में हम लगभग अपने प्रोग्राम कवर कर चुके हैं। सीमा क्षेत्र के विद्यालयों का जीर्णोद्धार, मरम्मत, शौचालयों का निर्माण, मोटर पानी की व्यवस्था, फर्नीचर आदि का वितरण भी वाहिनी के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। छात्र छात्रों के लिए कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटरों का वितरण आदि भी किया गया है। तथा जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई प्रशिक्षण, जिसमें अभी तक लगभग हमारी वाहिनी द्वारा 135 सिलाई मशीन गरीब परिवारों को वितरित की जा चुकी है।